हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत मैं करता हूँ। और भाई सुबह के बज रहे 10:15, मैं सो के उठा हूँ और 10:15 बजे सो के उठा। रात में लेट सोया क्योंकि एक्चुअली में नेट की इशू रहता है, वीडियो अपलोड होने में दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए आपको कल वाली वीडियो जो है वो लेट हमें ली होगी 1-2 घंटे बाद में। और अभी मैं कर रहा हूँ ब्रश, और उसके बाद भाई मेरे को थोड़ा सा काम वाम ख़त्म करना है अपना, वो सब करने के बाद भाई जाएंगे बाहर। मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है, मतलब बारिश तो हल्की फुल्की हुई होगी, उसके बाद बंद हो गया। देख सकते हो आप क्लाउड्स इस तरीके से दिख रहे हैं बाहर। ये देखो सूरज जो है बादलों के अंदर है, पर अभी हल्का हल्का मौसम सही है, धूप तो आ रही है। तो अब मैं जाऊंगा बाहर नहा धो के, ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद सारा काम मुझे स्टीम प्रेस करने हैं। आपको दिखाऊंगा 2-4 लहंगे, 1 लहंगा है और कुछ कपड़े वो भी करके दिखाऊंगा। सैंडविच है, ब्रेड में खीरा लगा तो सैंडविच बन गई। अच्छा मेयोनीज डालेंगे और हरी मिर्च डाल लगाएंगे, ब्रेड हो गई। तो गाइस हमारे घर में मॉर्निंग में बन रहा है भाई सैंडविच, और सैंडविच बनाने के लिए हमने खीरे वीरे काट लिए हैं जो मैं कल खरीद के लाया था, आपने व्लॉग में देखा होगा। और ये है भाई मेयोनीज, और ब्रेड है हमारे पास, और चीज़ स्प्रेड भी पड़ी है, चीज़ स्प्रेड भी डालेंगे। ये देख सकते हो हम लोगों के पास चीज़ स्प्रेड पड़ी हुई है, ये वाली हम इसको भी डालेंगे, चीज़ स्लाइस स्प्रेड। देखो ये वाली ये बंद पड़ी है ये, तो ये और हम डालेंगे इसमें। तो सारी चीज़ें लगा के भाई मस्त बनाएंगे सैंडविच, और यही खाएंगे आज मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट मतलब यही खाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, आज मैं कुछ काम फालतू करूँगा नहीं, सिर्फ परहेज करूँगा, स्टीम परहेज। आज मन नहीं है कुछ काम एक्स्ट्रा करने का, ड्रेस लेने का, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, कल करेंगे वो। और व्लॉग में बने रहो, लहंगे साड़ियाँ सब प्रेस वरेस करके आपको दिखाऊं किस तरीके से हम काम करके देते हैं। अरे बन गई सैंडविच, गई भाई तेरे से बनती नहीं है क्या, देर लगा रहा है, बहुत दिमाग का काम कर रहा है भाई। यार सैंडविच से बनी नहीं है अभी, मैं दलिया और साथ में बनाऊंगा, मैं अपने लिए बना रहा हूँ दलिया थोड़ा सा। ये मैंने लिया दलिया, ये दलिया ना ऑलरेडी भाई इंस्टेंट दलिया है, मैं जल्दी बन जाता है, ये मैं लेके आता हूँ। और ये मैंने भाई डाल लिया है इसमें थोड़ा सा, और बस अब इसमें डालूँगा 1 हरी मिर्च डालूँगा, और इसमें डालूँगा भाई 1 हरी मिर्च, और भाई थोड़ा सा धनिया जो हम गार्डन से फ्रेश तोड़ के लाऊँगा वो डालूंगा, और हल्के से इसके अंदर मिर्च डालूंगा, हरी मिर्च डाल दी, मिर्च डालने की जरूरत नहीं है, हल्का सा नमक। और ये और सैंडविच खाएंगे एक साथ, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दूध इसलिए नहीं पी रहा मैं, दूध वाला दलिया, क्योंकि भाई दूध और खट्टे और जो हम नमक की चीज़ खा रहे हैं सब, दूध पीना सही नहीं होता, इसलिए मैं नहीं पी रहा। आप लोग भी चाहो तो नहीं पी सकते, अवॉइड कर सकते, आपकी मर्जी है। आपने रख दिया है दलिया में, मैंने कुछ नहीं डाला, दलिया आपके सामने डाला था, दलिया था और थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़े से मटर और 2 हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें अपने लिए, और हल्का सा नमक डाला है भाई स्वाद अनुसार, और हल्की सी दाल मिर्च डाली है। तो ये मैंने बना रहा हूँ, और भी खेत का फ्रेश धनिया तोड़ कर लाता हूँ वो डालूंगा इसमें, तो ये मस्त बन जाए भाई। चम्मच मतलब क्या लग रहा है, चीज़ का चम्मच था ना वही लगा दिया सैंडविच जो था, कोई बात नहीं खा लेंगे, खाना तो है ही। तो भाई सुबह दलिया अगर आप खाओगे तो अच्छा रहता है, हेल्थ और फिट हम रहते हैं। अवॉइड करो सुबह भाई पटाटे टटरे खाना आप लोगों को। गाइस दलिया बन के रेडी है, लग रहा थोड़ी मटर कच्ची है, कोई नहीं मैं खा लूंगा। और भाई ये फ्रेश धनिया भी तोड़ के लाया हूँ खेतों से, ये देखो बिल्कुल फ्रेश धनिया है भाई, अभी इसमें काट के डालूंगा और फिर ये खाएंगे। तो भाई दलिया मैंने वो रेडी कर लिया, उसमें वो फ्रेश हरा धनिया जैसे बताया डाला है, और इस तरीके से भाई दिख रहा है दलिया, और अब इसे खाते हैं भाई। सैंडविच बिल्कुल बनके, तो सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है भाई, इस तरीके दिख रही है। और अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सॉस, तो ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल लग रहा है कि होटल वाला हिसाब किताब है ना, जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं। इस तरीके से भाई मैंने इसमें लगाया है सॉस, और इसमें है चीज़, मेयोनीज और कुकुम्बर और ब्लैक पेपर और थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट नहीं डाला मैंने, सॉरी सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ जो है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी ऐड है, और मेयोनीज में भी ऐड है, तो ये हो गया। और ये दलिया बन के रेडी है, खाएंगे। तो भाई अभी दलिया भी डाल लेते हैं, दलिया मैंने आज सूखा सूखा बनाया है, मतलब उसको पतला नहीं करा, बिल्कुल सूखा सूखा रखा है। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हो चावल जैसा ये दलिया है, ये एक्चुअली में दलिया रोस्टेड आता है तो जल्दी बन जाता है भाई, इसे गलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी बनता है, तो मैं इसलिए अब ज़्यादातर यही लाता हूँ, भुना भुनाया आता है भाई ये।
रोस्टेड विद इंस्टेंट दलिया। तो भाई ये अब खाएंगे। तो भाई मेरी सुबह ब्रेकफास्ट की जो प्लेट है वो रेडी है और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप लोग भी हेल्दी खाओ, अच्छे रहोगे, ये मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। भाई अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, अच्छा इन द सेंस अवॉइड करो फास्ट फूड, घर में आप बनाओ जितना हो सकता है, भारा खाना कम करो, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ तो गाइस मस्त बनी है सैंडविच, भाई मज़ा आ गया। हाँ तो गाइस लंच आ चुका है, मैं सारा काम समेट के आ चुका हूँ घर पे वापस। और भाई आज लंच में है चावल और दाल है अरहर की, नहीं मूंग मसूर की दाल होगी भाई ये, और रोटी है, और ये सब खाएंगे अब आराम से। हाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई गुलमोहर ग्रीन्स के अंदर कपड़े डिलीवर करने, और इसके बाद जाएंगे भाई जिम, और कुछ बीच में जो काम है, स्टिकर की शॉप खुली होगी तो वो भी मैं काम बीच में दिखाऊंगा आपको कि स्टिकर्स हुए नहीं हुए, पूरे मैं शॉप पे जाऊंगा। तो भाई ये कपड़े पड़े हैं ऑलरेडी स्कूटी पे, और अब जा रहे हैं कपड़े देने भाई। तो लग रहा है मेरे को मेरी स्कूटी का ना भाई पंचर हो चुका है पहिया, मुझे लग रहा है ना स्कूटी का पहिया सबसे पंचर है, पता नहीं चेक कराऊंगा, पंचर तो नहीं होगा कहीं से, क्योंकि थोड़ा सा जीप से लग रहा है चलाने में, तो हवा कम होगी, चेक कर पाओ। भाई मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि ये जितने कपड़े हैं ना जो मुझे कस्टमर से मिले हैं ये स्कूटी की डिग्गी में आ जाएंगे क्या, ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ भाई। तो गाइस देखो मैंने ठूस तो दिए हैं इसमें, मतलब ठूसना समझ रहे हो ना जब इससे घुसेड़े हैं इसको। अब मैं इसको बंद करूँगा और देखता हूँ कितनी देर में हो गया होते हैं। ठूस तो मैंने भाई दिए हैं, अब मशक्कत है इसको खुश बंद करने की, वैसे तो हो ही जाएगी, चलो मैं बताता हूँ आपको क्या ही नहीं है। तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने मिशन कर दिया कामयाब, सारे कपड़े ठूस दिए स्कूटी की डिग्गी में, तो करके तुम्हें 20 कपड़े होंगे और इसमें घुसेड़ दिए मैंने, अब सही है आराम से जाऊंगा मैं जिम। ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं आते तो फिर आगे रख के ही जाता, अब तो बैग है मेरे पास जिम का, तो अब जाएंगे, एक काम मुझे और है वो भी करेंगे। तो फाइनली गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ जिम के बाद, और भाई टोपी ओपी लगा रहे, ठंड क्योंकि काफ़ी रहती है जहाँ मैं रहता हूँ, तो अभी ठंड वैसे भी गई नहीं है। और आज घर में बन रहा भाई कटहल, तो ये डिनर के लिए कटहल हो गया, यानी जैक फ्रूट, और अभी मैं पीऊँगा दूध और कॉर्नफ्लैक्स थोड़ा पी लेता हूँ जिम के बाद, क्योंकि प्रोटीन तो ख़त्म है आपको पता ही। अब पीएंगे प्रोटीन नहीं सॉरी दूध में डाल के कॉर्नफ्लैक्स। डिनर आ चुका है, डिनर के अंदर है मसूर की दाल दोपहर वाले, और ये है जैक फ्रूट कटहल, अब ये खाएंगे। और भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तक के लिए बाय।